क्या हम लोग के लिए चिंता का विषय शुरू से रहा है कि भैया आज तक कभी नहीं सुना कि बंबई का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए, या कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता हो रोजगार के लिए। सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश आना पड़ता है शिक्षा के लिए हो, रोजगार के लिए हो, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हो। और चिंता तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब समर्थ परिवार के जो सक्षम लोग हैं उनको भी हम लोग देखते हैं कि आजकल दूसरे प्रदेशों में जाकर वहां पर अपना व्यवसाय स्थापित कर रहे हैं। अब लैक ऑफ सिक्योरिटी हो या लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कारण जो भी रहा हो, पर हकीकत है कि हमारे प्रदेश से पलायन आजादी के 70 साल होने को आया पर अभी भी रुक नहीं रहा, और ये हम सबके लिए गंभीर विषय होना चाहिए। तो हर सेक्टर में कहां कहां पर खामियां हैं, सुरक्षा का भाव किस तरीके से, उस सुरक्षा हम लोग बेहतर कर सकते हैं। अपराध इन दिनों हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं रोज आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, उसमें कैसे हम लोग सुधार ला सकते हैं। तो हर एक सेगमेंट को हम लोगों ने टारगेट कर सुरक्षा के लिए लेकर हम लोगों ने डायल 100 की हम लोगों ने चर्चा करनी शुरू की है, क्योंकि बिहार में पटना को छोड़कर अधिकांश जिलों में देखा जा रहा है कि 100 नंबर काम ही नहीं कर रहा। और बचपन से हम लोगों को सिखाया जाता है कि भैया 100 नंबर पुलिस का नंबर होता है, पर अगर वो 100 नंबर ही नहीं काम करेगा बिहार के दूर दराज इलाकों में, पटना में जरूर कुछ जगहों पे काम कर रहे हैं, कुछ एका जिले हैं, पर मैंने लगभग 12 जिलों में अभी तक जो हमारी यात्रा गई उसमें से 8 से 9 जिले ऐसे हैं जहां पर ये नंबर काम ही नहीं कर रहा था। तो कल को अगर कोई घटना घटती है तो उस पर रोक आप तभी लगा सकते हैं जब तुरंत पुलिस वहां पर पहुंचे, या कम से कम पुलिस से बात हो, हर किसी के पास SP का नंबर हो, थाना प्रभारी का नंबर हो, ये संभव नहीं होता। और 100 नंबर का सिर्फ काम ही नहीं करना बल्कि 10 मिनट के भीतर पुलिस वहां पर पहुंचे, अपराधियों के मन में इस बात का भय हो कि अगर ऐसा होगा तो हम लोग के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, पर वो नंबर नहीं काम करता है, अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं, समय पे पुलिस पहुंचती नहीं है। महिलाओं को लेकर महिला उत्पीड़न की बात हो या घरेलू हिंसा की बात हो, ना के बराबर महिला पुलिस कर्मी आपको थाने में मिलेंगे। सिर्फ जिला मुख्यालय में जरूर आपको मिल जाएंगी, पर अगर आप दूर दराज के अलग अलग प्रखंड के थानों में अगर आप जाएंगे तो वहां पर ना के बराबर महिला पुलिसकर्मी है। ये की सरकार बीच में बनी तो इन तमाम चीजों को लेकर उस वक्त चर्चा नहीं हो पाई, पर 2020 में जरूर इन तमाम बातों पर चर्चा होगी। और लोक जनशक्ति पार्टी का हम लोग का जो घोषणा पत्र है उसको भी हम लोग सरकार के समक्ष प्रमुखता से रखेंगे। इसी क्रम में, क्योंकि 2020 ये चुनावी साल भी है, लोक जनशक्ति पार्टी उसको लेकर भी पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। हम लोग 243 सारी विधानसभा सीटों पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हर सीट पर संगठन को मजबूत करना ये हम लोग की प्राथमिकता है। जितने संभावित प्रत्याशी हैं उनको लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड द्वारा ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आप लोगों को 3 मापदंड पर आप लोगों को काम करना है। अगर वो चाहते हैं कि वो लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी बने, पहला 25,000 की सदस्यता, उस विधानसभा में 25,000 के सदस्य जाकर उनको बनाने होंगे, बूथ कमेटी उनको प्रदेश संसदीय बोर्ड के सामने रखनी होगी, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण विषय उस विधानसभा का घोषणा पत्र। लोक जनशक्ति पार्टी 14 अप्रैल को तो हम लोग घोषणा पत्र प्रदेश भर का पार्टी के द्वारा रिलीज किया ही जाएगा, पर जिस जिस विधानसभा में लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगी उस विधानसभा का भी घोषणा पत्र हम लोग रिलीज करेंगे। उसमें जितने और बूथ वाइज ये होगा, मान लीजिए एक विधानसभा में अगर 250 बूथ है तो पहले बूथ की क्या समस्या, दूसरे की क्या, पांचवें की क्या, दसवें की क्या, 40वें की क्या, हर बूथ की समस्या होगी। लोगों का विश्वास हमारे प्रत्याशी पर होगा, मेरा विश्वास उस प्रत्याशी पर होगा कि भैया वो प्रत्याशी गांव-गांव गया है, घर घर गया है, तभी हर बूथ की जानकारी उन्होंने। News1 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।